मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा चुनाव पर होने वाले उपचुनाव में सबसे ज्यादा घमासान डबरा विधानसभा को लेकर देखा जा रहा है। इस सीट पर भाजपा और कांग्रेस के बड़े नेताओं की साख दांव पर लगी हुई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामसेवक बाबू से हमारे एसोसिएट एडिटर अरविंद शर्मा ने खास बातचीत की। ग्वालियर चंबल संभाग में बाबू जी के नाम से जाने जाने वाले रामसेवक जी से हम बात करेंगे। रामसेवक जी सांसद से लेकर विधायक तक रह चुके हैं और कई चुनाव उन्होंने लड़े और चंबल ग्वालियर संभाग में एक जाना माना नाम है, प्यार से लोग उन्हें बाबूजी कहते हैं। रामसेवक, आप समझ सकते हैं नाम में कितना दम है। हम उनसे बात करेंगे कि यह उपचुनाव क्यों हो रहा है और उपचुनाव के जो मुद्दे हैं वो क्या है। रामसेवक जी, जिस तरीके से यह उपचुनाव हो रहा है इसके मुद्दे क्या आप मानते हैं? क्या ये चुनाव आवश्यक था इस समय? देखिए, ये चुनाव जो है आकस्मिक चुनाव है। चुनाव होते हैं जब कोई विधायक या सांसद किसी दुर्घटना से उनके साथ दुखद बात घटना घट जाए, उसके बाद चुनाव होते हैं। लेकिन ये चुनाव आकस्मिक चुनाव है और ये किसी के लोभ और लालच के वजह से चुनाव हो रहे हैं। इसमें मैं जनता से और आप सभी से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रकार अगर चुनाव हमारे देश में होते रहे तो हमारा लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। हमारे वोट की परंपरा और वोट की कोई कीमत नहीं रहेगी। आगे चल के विधायक अगर 50 करोड़ में बिका है, सांसद 200 करोड़ में बिक जाएगा। एक 300 सांसद अगर टाटा ने या अंबानी ने खरीद लिए तो प्रधानमंत्री वही बनेगा, क्योंकि अगर 200 करोड़ में भी सांसद बिक जाएगा तो 600 करोड़ रुपए इनको क्या मायने रखते हैं, वो सरकार बना लेंगे। तो चूंकि इससे जो है हमारा संविधान खतरे में है, संविधान खत्म हो जाएगा। संविधान की रक्षा के लिए जनता को ऐसे विधायकों को सबक सिखाना चाहिए और ऐसे लोगों को चुनाव हराना चाहिए। इसके पहले जब विधायक के ऊपर दल बदल कानून एक लाया गया था तो लगता था ये दल बदल कानून कहीं ना कहीं इस तरह की व्यवस्थाओं पे अंकुश लगाएगा, मगर वो अंकुश दिखता तो नहीं है। ठीक है, हम मानते हैं कि 20 विधायक पहले चले गए, फिर एक एक करके गए, अब 6 महीने का सरकार हो गई, 6 महीने सरकार गए हो गई, इनकी सरकार है, अब यदि विधायक जाता है तो ये क्या आरोप, क्या बात करेंगे? देखिए, दल बदल विधेयक भी 84 में आदरणीय राजीव गांधी जी की केंद्र सरकार में आया था और उसका उद्देश्य ये था कि ये दल बदल करके जो है ये सरकारें गिरा दी जाती हैं, सरकारें बदल दी जाती हैं, उसके विरोध में ये कानून लाया गया था। और उस कानून की धज्जियां उड़ाने के लिए विधायकों को पैसे दे करके खरीदा जा रहा है। 50 करोड़ रुपये विधायक 5 साल विधायक भी रह ले, मंत्री भी रह ले, तब भी ईमानदारी से नहीं कमा सकता, क्योंकि अब जो है वो इतने बिकाऊ विधायक हो गए कि जो 50 करोड़ रुपए में बिक रहे हैं। तो अब दल बदल कानून क्या, उन्होंने रिजाइन ही कर दिया। तो चूंकि दल बदल कानून तो राजीव जी केवल इसीलिए लेके आए थे कि जिससे इन पे अंकुश लगे, और अब ये लोगों ने तो इतने पैसे ले लिए कि उन्होंने रिजाइन ही कर दिया, दल बदल रह कहां रह गया। राम सेवक जी, राजनीति समाज सेवा के लिए होती है, आपके नाम के आगे भी सेवक लगता है, मगर आप जिस तरीके से साजिश के शिकार हुए हैं, 11 संसद जो जिनकी सदस्यता खत्म की गई थी सवाल पूछने को लेकर पैसे, उसमें कहीं ना कहीं साजिश की बू दिख रही है कि आप जब टारगेट किए गए और पार्टी का भी जो सहयोग मिलना था वो आपको नहीं मिला, और जिस तरीके से चर्चा है कि आपका जो आपने जो सवाल किया था वो सवाल भी आपने कहीं नहीं किया था, किसी और दस्तखत से किसी ने क्या किया वो तो जांच का विषय है और जांच अभी तक नहीं हो रही, तो आप क्या मानते हैं कि आप साजिश के शिकार हुए? देखिए, ये सीधी सीधी साजिश थी वो, और जब सवाल के लिए पैसे की बात की गई तो हमने सवाल लगाया ही नहीं, हमसे किसी से कोई बात ही नहीं, ये तो हमारा फोटो मोव्ड करके जो है कहीं से बना बुनू के ये दिखा के और मेरे साथ ये साजिश की गई है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि भगवान ऊपर वाला तो है, अगर पार्लियामेंट और कोर्ट और जो भी सुन रहे हैं, सुनने वाले हैं,
कहीं दलील नहीं, कहीं अपील नहीं, कोई वकील नहीं, कुछ नहीं, किसी ने सुना नहीं, कुछ नहीं किया और हमको हमारी सदस्यता समाप्त कर दी। तो ये जो साजिश जिन लोगों ने हमारे साथ की, निश्चित तौर पर ईश्वर उनको दंड देगा। हम तो खैर उन लोगों को दंड नहीं दे पाए, 11 सांसद भी, लेकिन देगा दंड और कभी कभी न्याय मिलेगा। आपकी राजनीति माधवराव सिंधिया के साथ चली है, उनका कहीं ना कहीं आपको समर्थन रहा है। तो माधवराव सिंधिया की बात करें, जिस तरीके से एक महल की राजनीति ग्वालियर चंबल संभाग में चलती है और ज्योतिरादित्य सिंधिया, तुलना तो देखिए नहीं है, बाप 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 होता है और बेटा बेटा होता है, इनकी तुलना तो नहीं की जा सकती। मगर माधवराव सिंधिया जो करते थे, जो विकास का उनका दृष्टिकोण था, वो कहीं दृष्टिकोण यहाँ पे दिखता नजर आ रहा है। देखिए, आदरणीय माधवराव सिंधिया जी बड़े नेक इंसान किया करते हैं, मगर माधवराव सिंधिया जो करते थे, जो विकास का उनका दृष्टिकोण था, वो कहीं दृष्टिकोण यहाँ पे दिखता नजर आ रहा है। देखिए, आदरणीय माधवराव सिंधिया जी बड़े नेक इंसान थे, मैंने उनके साथ राजनीति की, वो बहुत बड़े दिल के इंसान थे, उनमें कभी जो है छोटेपन की बात नहीं थी, छोटी बात वो कभी सोचते नहीं थे। कभी किसी से नाराज भी होते थे तो मुंह पे नाराज होते थे और बड़े प्यार से फिर उसको समझा भी लेते थे। मैंने इनके साथ भी राजनीति की, लेकिन मैं आज तक इनको समझ ही नहीं पाया कि ये किस प्रकार के व्यक्ति हैं। मुझे तो इनकी नीति नियत में कहीं से बहुत फर्क लगा। आपसे अंतिम सवाल हम पूछेंगे कि जिस तरीके से आप की राजनीति कांग्रेस की है और कांग्रेस का जिस तरीके से बिक रहे हैं विधायक, तो क्या भविष्य क्या मानते हैं, कांग्रेस का भविष्य कहाँ है, कुछ डगमगा रहा है? देखिए, कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है और कांग्रेस का भविष्य कभी खतरे में नहीं आ सकता। ठीक है, राजनीति है, उतार चढ़ाव आते हैं, कांग्रेस अपनी जगह स्टैंड रहेगी। ये लोग जो है, ये कुछ समय का ऐसा पीरियड है जिसमें ये उतार चढ़ाव चल रहा है। ये लोग जो है कांग्रेस को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस के सिद्धांत और कांग्रेस अपने देश के प्रति और अपने जनता और अपने जो है सब लोगों के प्रति वफादार है कांग्रेस, और कांग्रेस के विचार में और कांग्रेस की नीति नियति में हर वर्ग के लिए एक सोच है। भारतीय जनता पार्टी तो केवल जो है जाति धर्म और इनके नाम पर मंदिर मुद्दा ये वो इस प्रकार के विकास को छोड़ करके ये आदमी को भटका के जो राजनीति करने की कोशिश करते हैं। और अभी जो है इनकी जो राजनीति चल रही है वो कांग्रेस को नहीं, जनता को भटका के राजनीति चल रही है। आप लोग बहुत समझदार हैं, आप देश के जो है एक चौथे स्तंभ बने जाते हैं। आपने देश की आर्थिक स्थिति के बारे में विचार किया होगा। अभी जो है मोदी जी जो कर रहे हैं, हमारी जितनी अच्छी संस्थाएं हैं, चाहे LIC हो, चाहे रेलवे हो, जो हमारे जो है जिनसे हमको BPCL हो, जिनसे हमको देश को चलाने के लिए आर्थिक मदद मिलती है, उन संस्थाओं को जो फायदे में है, उन संस्थाओं को जो प्राइवेटीकरण कर रहे हैं, उनको प्राइवेट बेच रहे हैं। तो केवल जो है जाति धर्म और इनके नाम पर मंदिर मुद्दा ये वो इस प्रकार के विकास को छोड़ करके ये आदमी को भटका के जो राजनीति करने की कोशिश करते हैं। और अभी जो है इनकी जो राजनीति चल रही है वो कांग्रेस को नहीं, जनता को भटका के राजनीति चल रही है। आप लोग बहुत समझदार हैं, आप देश के जो है एक चौथे स्तंभ बने जाते हैं। आपने देश की आर्थिक स्थिति के बारे में विचार किया होगा। अभी जो है मोदी जी जो कर रहे हैं, हमारी जितनी अच्छी संस्थाएं हैं, चाहे LIC हो, चाहे रेलवे हो, जो हमारे जो है जिनसे हमको BPCL हो, जिनसे हमको देश को चलाने के लिए आर्थिक मदद मिलती है, उन संस्थाओं को जो फायदे में है, उन संस्थाओं को जो प्राइवेटीकरण कर रहे हैं, उनको प्राइवेट बेच रहे हैं। आखिरकार तुम बेचते जाओगे तो हम कहाँ जाएंगे, हमारा देश कहाँ जाएगा? केवल जो है दो ही आदमी चलाएंगे, अडानी और अंबानी, इस देश को।
पूरी सारी देश की संपत्ति आप उनको देना चाहते हो, तो वो राजशाही फिर लौटाना चाहते हो। इसलिए मेरा जनता से निवेदन है, और जनता को भी ये सोचना चाहिए, जनता की भी ये जिम्मेदारी है कि वो देश के हित में सोच करके भारतीय जनता पार्टी को इस देश से खदेड़े, अन्यथा हमारे देश का बहुत नुकसान होगा। राम सेवक जी, जिस तरीके से यहाँ माहौल है और हम घूम रहे हैं, कांग्रेस के लोग भाजपा में गए, भाजपा वाले उनको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, प्रत्याशी की बात करें तो प्रत्याशी भी कहीं कहीं बोलती है कि दादा नहीं अब दादी की चलेगी, तो ये दादा दादी कौन है? ये हमारे डबरा की लोकल भाषा है, उसमें कुछ कार्यकर्ता जो उनके भाजपा के जो नरोत्तम जी से जूनियर है वो उनको दादा कहते हैं, और दादी अब जो बनने जा रही हैं, अब इनका ये खुद सोचें मतलब क्या दादी उनके साथ बनना चाहती हैं, किन के साथ बनती हैं वो जाने, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। तो ये थे राम सेवक, जिनको लोग प्यार से बाबूजी बुलाते हैं। तो बाबूजी का मानना है कि जिस तरीके से चुनाव और राजनीति है वो कहीं ना कहीं हमको आपको सोचने का विषय है, सोचना पड़ेगा कि लोकतंत्र खतरे में है, जिस तरीके से विधायक और संसद इधर से उधर हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आगे चलकर लोकतंत्र पे प्रहार है। अब देखना होगा ये चुनाव क्या क्या असर होता है और चुनाव का ऊँट किस करवट बैठता है। यदि ये सबक मिला, लोग हारे तो ये सबक होगा, और लोग जीते तो ये लोकतंत्र के लिए आगे चल के निराशा का विषय होगा। आमिर के साथ अरविंद शर्मा, न्यूज़ वर्ल्ड।